बॉडीगार्ड। एग्जैक्टली। तो वो तुम हो जो बॉडीगार्ड बनकर आ रहे हो। देखा, मैं जानता था, तुम्हें सब पता, ये तुम्हारा ही प्लान है, इसलिए तो तुमने मेरा नाम बोला। ओ प्लीज, मैंने ना कुछ ऐसा नहीं किया है। वो तो हमारे अंकल ने हमें सजेस्ट किया था कि हमें बॉडीगार्ड रखने की जरूरत है, तो उन्होंने अपने किसी जानने वाले को कहा। मुझे नहीं पता था कि वो बॉडीगार्ड के लिए तुम्हें अप्रोच करेंगे। तुम्हें पता नहीं था या जानबूझ के तुमने मेरा नाम सजेस्ट किया? मैं तुम्हारा नाम क्यों किसी को सजेस्ट करूंगी? हाँ, यू नो, मैं तो खुद बॉडीगार्ड के अगेंस्ट थी। हाँ, अब समझ में आया। ये तुम कर रहे हो ना, तुमने प्लान किया ना ये सब ताकि तुम 24/7 मेरे घर रह सको। क्यों, मेरे घर क्यों रहना चाहते हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरे दिमाग में 24 घंटे एक ही बात चलती है कि तुम जैसे अमीर लोगों से दूर रहो। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे घर में यहाँ पे रहने आऊंगा? नो, नेवर। तुमने अपने दिमाग की बात बोल दी ना, तो अब ना मेरे दिल की बात भी जान लो। काव्या की मौत के बाद तुम काफी टेंस थे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई, वरना तो मैं, यू नो वॉट, जिन पर मैं भरोसा नहीं करती ना, उन्हें मैं अपने पास भी नहीं आने देती। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने घर बुलाऊंगी? नो, नेवर। स्टे अवे फ्रॉम मी। यू टू। हाँ बोलो, डॉक्टर वीरेंद्र अवस्थी। डैड का नाम? तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। भाइयों ने मेरे डैड का नाम लिया, यानी कि ये जानता है कि मेरे डैड का है। कि मेरे डैड के पास ही जा रहा होगा। I have to follow him. ऑटो, ऑटो, भैया वो उस गाड़ी का पीछा करो, उस बाइक का, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, वो वाली उस बाइक का पीछा कीजिए। भैया रोको 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 रोको। क्या हुआ? अब मैं बताती हूँ आपको, अभी रोको। हेलो हेलो हेलो, इतना नेटवर्क नहीं है। भैया चलिए चलिए उसका पीछा कीजिए, जल्दी ऑटो स्टार्ट करो। भैया भैया जल्दी करो जल्दी, लेट। मैम 2 मिनट, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है बस। भैया कुछ तो करो, जल्दी 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 करो भैया, लेट हो जाएगा जल्दी। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, बस भैया यहाँ पे रोकिए, ये लीजिए भैया पैसे। पक्का भाई अपने घर ही आया होगा। बोलिए मैम, किससे मिलना है? वायु घर पे है। वायु? वो फ्लैट नंबर 4 वाले। नहीं अभी तक तो कोई नहीं आया। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। वायु
भाई अभी तक घर पे नहीं आया। पक्का पक्का उस आदमी से मिलने गया होगा जिससे वो फोन पे डैड के बारे में बात कर रहा था। उस आदमी को पता होगा कि डैड का है, लेकिन लेकिन इस वक्त मैं उसे ढूंढूं कैसे? भाई गया कहाँ? पता कैसे चलेगा? मॉम? हाँ मॉम। अग्नि, अग्नि कहाँ हो तुम? जल्दी घर आ जाओ। क्या हुआ मॉम, सब ठीक है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेहुल और आर्या भी घर पर नहीं है, तुम जल्दी आ जाओ। अच्छा मॉम, मैं 5 मिनट में आती हूँ, ठीक है? ओके बाय। कहीं वो गुंडे फिर से तो नहीं आ गए घर पे? वायु फोन उठाओ। क्या हुआ, फोन नहीं लगा क्या? रिंग तो जा रही है मगर वो उठा नहीं रहा। आर यू श्योर वो हमारा काम करेगा? 100% करेगा सर, मेरा खास आदमी है वो, मुझे नहीं डाल सकता। एक बार मना किया था उसने, लेकिन सर मेरी गारंटी है वो डॉक्टर अवस्थी घर जाएगा सर, पक्का जाएगा सर। और अगर नहीं गया तो तू गया बेटा, मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता और ना ही किसी को अधूरा छोड़ने देता हूँ, समझा? हाँ सर। क्या? वायु। अनन्या, बेटा दरवाजा खोलो। मॉम, देखो नागनी, अनन्या ने खुद को लॉक कर लिया है, वो मेरी बात नहीं सुन रही है। तुम बात करो, शायद वो मान जाए। मॉम, मॉम आप घबराओ मत, मैं बात करती हूँ अनन्या से, मैं देखती हूँ। अनन्या, अनन्या दरवाजा खोल। अनन्या, वो पहले इतनी परेशान थी, आज वो लोग पैसे लेने आए तो और ज्यादा, कहीं कुछ गलत ना कर ले। आप कैसी बातें कर रही हैं? अनन्या ऐसे बिल्कुल नहीं करेगी, मैं बात करती हूँ ना उससे। अनन्या, अनन्या, अनन्या मुझे पता है कि तू कुछ गलत नहीं करेगी, पर मॉम को देखना, उनकी हालत खराब हो रही है, वो डरी हुई है। अनन्या, यू नो ना कि अगर उनका बीपी हाई हो गया तो कैसे संभालेंगे हम सब? अनन्या प्लीज दरवाजा खोल बाबा। What happened? क्या हो रहा है मॉम? अनन्या ने कमरे में खुद को लॉक कर लिया है, कहीं वो कुछ करना बैठे। अनन्या सुन, मुझे पता है कि डैड के सबसे ज्यादा क्लोज तू है, आई नो तुझे हर्ट हो रहा है, लेकिन हम सबको भी हो रहा है ना, अगर हम सब ऐसे करने लग गए तो फिर कैसे चलेगा? अनन्या बाबू, आई प्रॉमिस मैं डैड को कैसे भी ढूंढ कर ले आऊंगी, प्लीज दरवाजा खोल ले, प्लीज अनन्या। मम्मी जी, अंदर से तो आवाज ही नहीं आ रही। हे भगवान, कहीं वो कुछ गलत ना कर ले। नहीं 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 मम्मी जी नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं हूं ना, मैं हूं। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। हाँ, प्लीज तोड़ दो, जल्दी दरवाजा तोड़ दो। तोड़ दो? हाँ, तोड़ दो। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे ना, पीछे। शुक्र है भगवान का, तुम ठीक तो हो, ऐसा तुम्हारा कभी मत करना, पता है मैं कितना डर गई थी। अनन्या, मैंने प्रॉमिस किया है ना कि मैं डैड को वापस ले आऊंगी। प्रॉमिस वही करना चाहिए जो पूरा कर सको। इतने दिन हो गए, पुलिस भी उन्हें नहीं ढूंढ पाई, तुम कहां से ढूंढोगी? पता नहीं वो कभी वापस आएगी भी या नहीं। नहीं बाबू, मैं बोल रही हूँ ना,
डैड वापस आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा बाबू। सब ठीक तो डॉक्टर करता है ना, पर वही हमारे साथ नहीं है। नहीं अनन्या, बस सब ठीक हो जाएगा। प्लीज लीव मी अलोन। अनन्या, अनन्या सुन ना बाबू, प्लीज 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 दी, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक ही तो कह के गई है, पापा को हमारी चिंता नहीं है, हम ही कुछ ज्यादा चिंता कर रहे हैं। जब आना होगा आ जाएंगे। आर्या, तो मॉम आप ही बताइए ना, अगर डैड को इतनी चिंता होती तो वो हमारे साथ यहाँ होते, क्योंकि जिस तरीके की करतूतें वो करके गए हैं, इतना तो उन्हें मालूम होगा ही कि हम किस हाल में हैं। अनन्या छोटी है पर बहुत बड़ी बात बोलकर गई, इस घर में अब पहले जैसा कुछ नहीं हो पाएगा, तो रियलिटी को एक्सेप्ट करो, क्योंकि डॉक्टर झूठी एडवाइस देते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं क्या करूं, फाइनेंस मिनिस्टर के पीछे जाऊं या मदर इंडिया को सपोर्ट करूं? फाइनेंस मिनिस्टर ही बेटर है। परसों से जो माला तुम्हारे डैड और मैंने बनाई थी, उनके छाते ही सब टूट गई, मोतिया सारे बिखर गए। कभी कभी लगता है क्या भाग्य ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। घर के अंदर रोज एक नया एपिसोड, हॉस्पिटल क्या मैं खाक संभालूंगी? सही है, सबसे पहले तो मुझे हॉस्पिटल का सारा चार्ज अपने अंडर लेना होगा, नहीं तो डैड की तरह अग्नि ने भी यही करना है, रोज भूखे नंगों की सेवा करना, जिससे हमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आधा हॉस्पिटल तो डैड ने बर्बाद कर दिया और आधा अग्नि करेगी। सही है, सही है। चैरिटी से ना सिर्फ मंदिर चलते हैं, हॉस्पिटल्स नहीं। और अग्नि मैडम को तो नए इक्विपमेंट्स चाहिए, ना पुराना स्टाफ हटाना है। सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। सेंटिमेंट्स माय फुट। और इमोशनल लोगों को ना सिर्फ रोना आता है। आर्या बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। क्या सही, क्या सही है, हा? क्या सही है? मेरा मतलब मैं ये सोच रहा था मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम मेरी हेल्प करोगे? हाँ। जो आदमी एक थप्पड़ खाकर सोफे के पीछे छुपकर बैठ जाता है वो मेरी हेल्प करेगा? तुम एक काम क्यों नहीं करते, ये लो इसे पहन लो, एटलीस्ट कह तो सकेंगे कि हमारे घर के अंदर सारी औरतें रहती है। पता नहीं मैंने भी किस टफर से शादी कर ली। हटो अब। एक बार पैसे इस घर से निकल जाएं, चूड़ियां तो तुझे मैं पहनाऊंगा, जिसे मेरे जाने के बाद तू तोड़ेगी। आप डैड के बारे में कुछ पता चला?
यहाँ पुलिस क्यों? मॉम डोंट वरी, ये इंस्पेक्टर वैष्णवी है, डैड का केस यही देख रही है। इंस्पेक्टर बोलिए, डैड के बारे में कुछ पता चला? कुछ पता तो नहीं चला, पर कुछ मिला है। क्या? मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन बुला लेती अग्नि, पर वो बताइए इंस्पेक्टर, बात क्या है, क्या मिला है आपको, बोलिए। एक डेड बॉडी मिली है, आधी जली हुई। मैं ठीक हूँ। क्या कहना चाह रही हो? जो डिस्क्रिप्शन तुमने अपने पापा के बारे में बताई थी, डेड बॉडी की एक चीज उससे मैच कर रही है। घबराइए मत, डेड बॉडी किसी और की भी हो सकती है। लाश पहचानने लायक नहीं रही, इसीलिए डेड बॉडी के साथ मिली इस वॉच को देखकर बताइए, कहिए डॉक्टर अवस्थी की तो नहीं। ये डैड की घड़ी नहीं है, डैड ऐसी वॉच नहीं पहनते। Are you sure? I'm sure. ये डैड की घड़ी नहीं है। मॉम सब ठीक है, आप जाकर रेस्ट कर लीजिए, डैड को कुछ नहीं होगा। मैं इनसे बात करती हूँ। इंस्पेक्टर, कोई भी ट्रेजेडी होने से पहले प्लीज प्लीज आप मेरे डैड को ढूंढ लीजिए। उस डेड बॉडी को लेकर जो भी डाउट था वो क्लियर हो चुका है, डोंट वरी, इस केस को भी हम जल्दी क्लियर कर देंगे। ठीक है, इंस्पेक्टर। हाँ सुन। जी सर। मैं अवस्थी मेंशन के बाहर खड़ा हूँ और अंदर जाके बताने वाला हूँ कि बॉडीगार्ड अरेंज हो गया है। तुम्हारी उस लड़के से बात हो गई ना? हाँ हाँ बात हो गई है सर, आप उनको बोल दो सर बॉडीगार्ड रेडी है, वो आ जाएगा सर। चल फोन रख। जी सर। ये वायु मरवाएगा मुझे, अगर वो अवस्थी मेंशन नहीं पहुंचा तो सिद्धांत सर मुझे कहीं और पहुंचा देंगे। वायु फोन उठा ले, वायु फोन उठा, फिर से नहीं उठा। वायु कहाँ है तू, तेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? इंस्पेक्टर
क्लू तो नहीं कह सकती, पर डाउट है मुझे किसी पर, और शायद इस डाउट की वजह से आपको डैड के केस में कोई लीड मिल जाए। बोलो। वो वायु याद है आपको? उसी पर शक है मुझे। शक की कोई वजह? वो एक्चुअली आज ही मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुना। वो डैड के बारे में किसी से बात कर रहा था, फिर मैंने उसका पीछा किया। मैं ऑटो में थी इसलिए उसको ढंग से फॉलो नहीं कर पाई, पर आई एम श्योर कि उसे पता है कि डैड का है, या फिर वो जिससे बात कर रहा था उसे पता है। इंस्पेक्टर, अगर हमने वायु के फोन की लोकेशन ट्रैक कर ली तो हमें पता चल जाएगा कि वो अभी इस वक्त कहां पर है, और शायद डैड भी वही होंगे। और ये काम आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। वायु का नंबर है मेरे पास, मैं कॉल करके पूछती हूँ। नॉट रीचेबल है। एनीवेज, मैंने मैसेज करके वायु का नंबर सर्वेलेंस पर डाल दिया है, कुछ ही देर में लोकेशन भी ट्रेस हो जाएगी। थैंक यू सो मच। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.